अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। आपके पड़ोस में गैंग वॉर शुरू हो गए हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पढ़ के। 13 सितंबर को कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने गोली मार के उसकी सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी। गोदारा गैंग का कोई आदमी सैनिक फॉर्म्स में एक बिल्डर को कॉल करता और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता और 39 राउंड्स ऑफ गोलियां चलाई जाती हैं अमन जून के ऊपर, उसको मार दिया जाता है। अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहां है अमित शाह? पूरी दिल्ली को उन्होंने गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि पूरी दिल्ली अब गैंग्स चला रहे हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा, हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए और दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए। ये सीधे सीधे अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। पिछले 10 साल से धीरे धीरे करते करते और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, और खास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। मैं ये एक अखबार लेके आया हूं, ये बहुत नामी गिरामी अंग्रेजी का अखबार है देश का, ये पूरा इसके अंदर ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके छपा हुआ है। गैंग्स एंटर द नेबरहुड, आपके पड़ोस में गैंग वॉर शुरू हो गए हैं। इसमें अगर आप 3-4 ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पढ़ के। 13 सितंबर को ग्रेटर कैलाश दिल्ली की सबसे, मैं कहूंगा, संभ्रांत अमीर कॉलोनी है। ग्रेटर कैलाश में 13 सितंबर को 10:30 रात को एक जिम ओनर नादिर शाह, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने गोली मार के उसकी सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी। 20 सितंबर को ही ग्रेटर कैलाश में एक म्यूजिक कंपोजर था अमन बत्रा, उसको एक लॉरेंस बिश्नोई के ही कथित तौर पे एक एसोसिएट की कॉल आई 5 करोड़ रुपए फिरौती डिमांड करते हुए। सितंबर के महीने में इस सैनिक फॉर्म्स में गोदारा कॉल्स अ बिल्डर इन सैनिक फॉर्म्स, गोदारा गैंग का कोई आदमी सैनिक फॉर्म्स में एक बिल्डर को कॉल करता और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता और कहता नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। 30 सितंबर को वसंत विहार में रियल एस्टेट डेवलपर गेट्स अ व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम अ मैन क्लेमिंग टू बी यूएस बेस्ड गैंगस्टर एंड लॉरेंस बिश्नोई एसोसिएट गोल्डी बरार, और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है उस रियल एस्टेट डेवलपर से। 26 सितंबर को नारायणा में 20 राउंड ऑफ बुलेट्स चलते हैं एक लग्जरी कार शोरूम में और शूटर्स पीछे अपने एक नोट छोड़ जाते हैं जिसमें लिखा होता है भाऊ गैंग। 18 जून को बर्गर किंग राजौरी गार्डन 9:30 रात को 39 राउंड्स ऑफ गोलियां चलाई जाती हैं अमन जून के ऊपर, उसको मार दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के राइवल हिमांशु भाऊ की तरफ से। सराय काले खां में ओवर अ डजन शॉट्स रिंग आउट एज अ टीम ऑफ दिल्ली पुलिस परस्यू टू मेन एलिजिडली एसोसिएटेड विद लॉरेंस। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और ये साबरमती जेल में कैद है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि गुजरात के अंदर है और जो कि बीजेपी के उसके अंदर आता है। ये समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से दिल्ली के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। 26 अक्टूबर बम्बीना गैंग फायरिंग आउटसाइड अ बिजनेसमैन्स हाउस इन पीतमपुरा, ₹10 करोड़ एक्सटॉर्शन अमाउंट सॉट। 7 नवंबर कपिल सांगवाज नंदू गैंग शूटर्स फायर्ड आउटसाइड हाइपरमार्केट इन पश्चिम विहार, साउथ वेस्ट दिल्ली फायरिंग एट मोटर शॉप इन नजफगढ़। 5 नवंबर जितेंद्र गोगी गैंग फायरिंग आउटसाइड प्लाईवुड शॉप इन नांगलोई, फायरिंग एट प्रॉपर्टी डीलर्स ऑफिस इन अलीपुर। अगस्त के महीने में अनमोल बिश्नोई गैंग लेड बाय लॉरेंस ब्रदर शाद्रा बेस्ड ज्वेलर एलेजेस द गैंग डिमांडेड 2 करोड़ रुपीज इन रैंसम। हिमांशु भाऊ गैंग नारायणा बिजनेसमैन क्लेम्स दैट ऑन ऑगस्ट 14 ही गॉट एक्सटॉर्शन कॉल फ्रॉम अ पर्सन क्लेमिंग टू बी भाऊ।
द्वारका प्रॉपर्टी डीलर क्लेम्स ही रिसीव्ड एक्सटॉर्शन कॉल फ्रॉम भाऊ ऑन ऑगस्ट 15। फरवरी के महीने में फायरिंग बाय टू मैन आउटसाइड अ जीन्स ट्रेडर्स हाउस इन यमुना विहार। दिसंबर 23 लॉरेंस बिश्नोई गैंग, टू शूटर्स फायर एट हाउस ऑफ लिकर बैरन एंड फॉर्मर एमएलए दीप मल्होत्रा। चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर? अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहां है अमित शाह? पूरी दिल्ली को उन्होंने गैंग वॉर के ऊपर गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि पूरी दिल्ली अब गैंग्स चला रहे हैं। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया, इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं, ये अपराध छुपाना चाहते हैं, ये क्राइम छुपाना चाहते हैं। अगर इन्होंने सही काम किया होता, क्या जरूरत थी मेरे को रोकने की? आज इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, आज दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। कौन आएगा दिल्ली के अंदर अगर इस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर खुलेआम घूमेंगे? और ये उनके घर के कुछ, अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है।